हेलो दोस्तों, वेलकम टू श्योर इंडियन प्रोडिक्शन में आप सभी का स्वागत है। थाईलैंड वर्सेस बांग्लादेश वुमेंस की मैच की प्रेडिक्शन में आपको थोड़ी देर बात कर दूंगा। अभी मैं फ़िलहाल प्रेडिक्शन कर रहा हूँ मलेशिया वर्सेस पाकिस्तान वुमेंस की मैच की, क्योंकि ये मैच ख़त्म हो चुका है दोस्तों। वहीं पर मलेशिया वुमेंस अपना मैच हार चुकी है, थाईलैंड की वुमेंस ने इन्हें 36 रन पर ऑल आउट किया था और वो मैच जीत चुकी है। वहीं पर पाकिस्तान वुमेंस ने श्रीलंका को अपना मैच हरा दिया है, जिसमें निदादार ने 5 विकेट लिया दोस्तों। तो बात करते हैं प्लेयर्स की, कौन कौन से प्लेयर हो सकते हैं टीम में। तो यहाँ पर आप कीपर में दो ऑप्शन मिल जाते हैं, क्रिस्टियाना बैरेट और सिद्रा निवाज। आप दोनों को टीम में रख सकते हो, लेकिन सिद्रा निवाज एज़ कम्पेयर क्रिस्टियाना बैरेट अच्छी ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि कैचेस और स्टम्पिंग कर सकती हैं काफ़ी सारा। तो वहीं पर आप बैटिंग लाइन में सिर्फ 3 बैट्समैन को ले सकते हो, नाहिदा खान, जवीरिया खान और नयन आबदी को टीम में रखिएगा। वहीं पे मलेशिया की तरफ से आप ले सकते हो मेस इलियास और जमी हिदिया इंतन। इन 5 बैट्समैन को आप टीम में रख सकते हो दोस्तों, पांचों के पांचों सेफ हैं, जिसमें से आप नाहिदा अख्तर को कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हो, नैन आबदी को, जवीरिया खान को मलेशिया को ले सकते हो, क्योंकि रूल है जो ड्रीम इलेवन का दोस्तों, मिनिमम 4 प्लेयर लेना होता है अपोजिट टीम का। तो उस बेस पर आपको ये 5 प्लेयर ले सकते हो दोस्तों। और पाकिस्तान आज श्रीलंका को हरा दिया है मैच, जिसमें निदादार ने 5 विकेट लिया, जिसमें मारूफ ने 160 रन की पारी खेली दोस्तों। सजा आसमी को अपनी टीम में रख सकते हो, ये 3 प्लेयर ऑलराउंडर में हो सकते हैं आपके, जिसमें निदादार को आप कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हो, बिस्मा मारूफ को कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हो, आपके लिए सेफ ऑप्शन होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, अदर देन इनके सिवा जुमिका आजमी को एक चांस मिल सकता है टीम में, और विनफर्ड आने टीम के कैप्टन है तो डेफिनेटली खेलेंगी वो, लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रही है दोस्तों। वहीं पर ससा जो कि आजमी को आप रख सकते हो टीम में। मलेशिया की तरफ से आपको 4 प्लेयर मिल जाएंगे इजली, कीपर हो गए और 2 बैट्समैन मैंने बता दिया था, और यहाँ पर 2 ऑलराउंडर हो गए, 3 ऑलराउंडर। तो आप इन तीनों को टीम में रख के अपने 4 प्लेयर को ले सकते हो मलेशिया की तरफ से। वहीं पर आप बात करें बॉलरों की, तो सना मीर, नसारा संडू, अमेन अनम और वहीं पे एना हमजी, मरी इस्माइल, और आप डायना बेग और को रख सकते हो। पहले 5 बॉलर की बात करते हैं दोस्तों, इनमें से आप डेफिनेटली आप सना मीर को कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हो, नसरा संडू को भी कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हो, अमीन को टीम में ले सकते हो दोस्तों, इस्माइल डेफिनेटली खेलेंगे उनको रख सकते हो, हमीजा को रख सकते हो आप। ये 5 गेंदबाज हो गए दोस्तों, जिनको आप अपने टीम में रख सकते हो। अदर देन इन 5ों के सिवा आप डायना बेक को रख सकते हो अपने टीम में, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूले। तो डायना बेक को भी टीम में रख सकते हो। अब बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो ये सारे प्लेयर आपके कैप्टन वाइस कैप्टन हो सकते हैं मैच में, जिससे आपको मलेशिया की तरफ से तो दोस्तों कोई कैप्टन नहीं बनने लायक है, तो प्लीज़ उनकी टीम से प्लेयर को मत लीजिएगा। तो ये सारे प्लेयर आपके कैप्टन वाइस कैप्टन बनने लायक है, निदादार, बिस्मा मारूफ, सना मीर, नसरा संडू, जवीरिया खान, नैन आबदी, नाहिदा खान। तो ये सारे प्लेयर को आप कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हो दोस्तों। अब मैं एक लॉजिक की बात करता हूँ, आपको लगता है पाकिस्तान जीतेगी तो पाकिस्तान के 7 प्लेयर को रखिएगा टीम में और 4 प्लेयर मलेशिया के। अगर आपको थोड़ा लगता है कि मलेशिया के कुछ प्लेयर परफॉर्म कर सकते हैं, अगर आपका दिल और माइंड बोलते तो 5 और 6 का रेशू रख सकते हो आप, जिससे आपकी टीम को बैलेंसिंग भी मिल जाएगा और आप टीम इजीली मैच जीत सकती है। तो ये प्लेयर्स की बात हो गई दोस्तों, कौन कौन से प्लेयर हो सकते हैं टीम में। तो प्रेडिक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों, इतना ही था। अब मैं आपको ज़्यादातर टीम नहीं दिखाना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग जानते हो काफ़ी अच्छा है। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।